गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू? गुड डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम इज गुड फूड हैबिट्स। गुड मतलब अच्छा, फूड मतलब खाना, हैबिट मतलब आदत, अच्छे खाने की आदत होनी चाहिए, है ना। हम खाना तो खाते हैं बट हम कुछ अचर कचर खाते रहते हैं ना, जैसे कि हमारे कुरकुरे, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेक समोसा, चॉकलेट, है ना, हम बाहर की ज़्यादा खाते हैं ना, तो हमें वो नहीं खाना है, हम अच्छा फूड खाना। अच्छा फूड कौन कौन सा? कि हमें डेली मिल्क पीना है, हमें फ्रूट्स खाना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, हमें रोटी खाना है, हमें दाल खाना है, हमें चावल खाना है, सब्जी खाना है ना। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कीप अस हेल्दी। देखो, अलग अलग टाइप का जो खाना हम खाते हैं ना, तो हमें हेल्दी रखता है ना। हम रोज़ सिर्फ दाल रोटी खाएंगे ना, तो वो भी हमें हेल्दी नहीं रखेगा। हमें सब्जी भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, हमें फ्रूट्स भी चाहिए, हमें सलाद जो होता है ना वो भी चाहिए। तो अलग अलग टाइप का खाना हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है। अवर मील शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए ना, वो हम पढ़ेंगे। हमारे खाने में कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूर होना चाहिए। कौन कौन सी? फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। देखो बच्चों, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, है ना। कुछ खाना ऐसा होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस चीज़ के लिए? हमें खेलने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें काम करने के लिए। प्ले, वर्क, हमें खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, वर्क करने के लिए चाहिए, है ना एनर्जी। अब आपने देखा होगा जो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है ना, वो जल्दी थक जाते हैं, वो खेल नहीं पाते हैं। किसी बच्चे का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता है ना, क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, लंच फिनिश नहीं करते हैं ना। तो स्कूल में तो खाना ही है, मैम के डर से तो हम खा लेते हैं, लेकिन हम घर पर नहीं खाते ना, मम्मा के सामने नखरे करते हैं। तो मम्मा जो खिलाए ना, वो हमें खाना है, क्योंकि उनसे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है आपको पता है? हम जो आलू खाते हैं ना, देखो यहाँ है हमारा पोटैटो, मतलब आलू, आलू से हमको एनर्जी मिलती है। बट कैसे? बॉईल कर कम तेल में। ऐसा नहीं कि हम आलू की सब्ज़ी में खूब सारा ऑयल डालकर बनाते ना, तो वो हमें नुकसान देते हैं। हम आलू की जो चिप्स खाते ना, वेफर, वो नुकसान देती है। क्यों? क्योंकि वो तली हुई रहती है। कम तेल में भुना हुआ आलू जो पोटैटो होता है ना, वो। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ब्रेड, है ना, बट ये जो मैदे वाली ब्रेड है वो नहीं है, ये व्हीट वाली है, ब्राउन ब्रेड, मतलब जो गेहूं के आटे से बनती है ना, वो जो मैदे वाली ब्रेड होती है ना, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि हमारे पेट में वो मैदा जम जाता है। जो व्हीट वाली ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड होती है, वो खाना चाहिए, है ना। ये हो गया हमारा बट पनीर। पनीर आपने खाया है ना, जो दूध होता है, दूध जब फट जाता है, फिर उसको, दूध जो फटता है तो उसको हम निथार कर कपड़े में बांध देते हैं, तो पनीर बनता है ना, घर पर बन जाता है, और मार्केट में तो ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है। तो जो पनीर होता है ना, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा अगर शुगर, शुगर मतलब शक्कर, शक्कर से भी हमको एनर्जी मिलती है ना, हमें शक्कर भी खाना चाहिए। इसके अलावा हो गए हमारे राइस, राइस मतलब चावल, चावल से भी हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसलिए हमको चावल खाना है, हमको राइस खाना है मतलब चावल, पोटैटो मतलब आलू खाना है, शुगर मतलब शक्कर खाना है, ब्रेड खाना है और पनीर खाना है ना, ये हमें एनर्जी देते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, एनर्जी किस किस से मिलती है हमें? ब्रेड, पनीर, शुगर, राइस, पोटैटो, इनसे हम क्या मिलती है? एनर्जी। गुड, अब हम पढ़ेंगे फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो। देखो, हेल्प मतलब मदद करना, फूड मतलब खाना, ग्रो मतलब बढ़ना। कुछ ऐसा खाना होता है जो बढ़ने में हमारी मदद करता है, कौन कौन? मिल्क, बच्चे जो दूध होता है ना, वो हमारे बढ़ने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमें डेली मॉर्निंग में तो हमें एक गिलास दूध पीना है, और रात को जब सोते हैं ना, सोते टाइम भी एक गिलास दूध पीना ही है। इसके अलावा क्या? फिश, फिश मतलब मछली, मछली भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे ग्रो करने में, बढ़ने में हमारी मदद करती है। एक, एक मतलब अंडा, अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है। हम अंडा खाते हैं ना, तो हमारी हेल्थ, हाइट, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा क्या? मीट, नॉनवेज जो चीज़ें होती है ना, जिसे हम मांस कहते हैं, मटन कहते हैं, वो चीज़ खाने से भी हमारी वृद्धि होती है। हमारे पीस, पीस मतलब मटर, मटर खाने से भी हमारी वृद्धि होती है, ग्रो होता है। और जो हमारा ये है बटर, बटर खाने से भी हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो बढ़ती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी दाल हो गई, कौन कौन सी दाल हो गई? हमारी चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, है ना, ये जितनी भी हम दाल खाते ना,
इन दालों में बहुत प्रोटीन होता है, ये हमारे वृद्धि करने में, हमारे बढ़ने में, हमारे ग्रो होने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन हेल्प करता है? मिल्क, फिश, एग, पीस, पल्स, बटर, और ये हो गया हमारा मीट। मीट मतलब जो नॉनवेज चीज़ होती है ना, मांस, उसको बोलते हैं मीट। ठीक है, फूड दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। कुछ खाना ऐसा होता है बच्चा जो है ना हमें बीमार होने से बचाता है। कौन कौन? हमारे जितने भी फ्रूट्स है वो, और हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में क्या क्या? हमारे एप्पल, हमारे मैंगो, हमारा पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, ये सब हमारे फ्रूट्स हो गए। ये हमें हेल्प करते हैं काहे में? डिसीजेस। डिसीजेस मतलब बीमारियाँ, बीमारियों से लड़ने में। और जितनी भी हमारे वेजिटेबल्स हो गई, जैसे कि हमारी कैरेट हो गई, हमारी स्पिनिच हो गई, हमारे टोमेटो हो गए हैं, केबेज हो गई है, और लेडी फिंगर हो गई है, चिली हो गई है, कैप्सिकम हो गई है, ब्रिंजल है, और पम्पकिन है, ये सब हमारे वेजिटेबल्स हो गई। ये हमें डिसीजेस मतलब बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कौन कौन? हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स। ये हमें जितनी बीमारी है उनसे लड़ने में मदद करते हैं। जो हमारा मिल्क है, फिश है, एग है, हमारा पीस है, मीट है, हमारे पल्स, जितनी भी दालें हैं, पल्सेस हैं, वो हमें ग्रो करने मदद करते हैं। और हमारे ब्रेड, बटर, पोटैटो, शुगर, राइस, ये हमें एनर्जी देते हैं, है ना। अब आपसे पूछे कि एनर्जी किससे मिलती है, ब्रेड से या मिल्क से, तो आप क्या बताओगे? ब्रेड से, है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बच्चों एनर्जी किससे मिलती है, ब्रेड से या मिल्क से, तो आप क्या बोलोगे? ब्रेड से मैम। और मैं पूछूँ कि हमें डिसीजेस मतलब बीमारी से लड़ने में कौन हेल्प करता है, हमारे फ्रूट्स या एग, तो आप क्या बोलोगे मैम? फ्रूट्स। अगर मैं बोलूँगी, पूछूँगी कि बच्चों हमें ग्रो करने में, ग्रो करने मतलब बढ़ने में कौन हेल्प करता है, हमारे वेजिटेबल्स या फिर फिश, तो आप क्या बोलोगे मैम? फिश। जो फिश है वो ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, ये तीन फोटो थे, तीन को मैंने अच्छे समझा दिया है ना। वी शुड हैव सेलेस पल्सेस मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, है ना। देखो, हमको रोजाना सेलेस मतलब हमारे अनाज, अनाज में क्या हो गया, हमारे मक्का, गेहूँ, बाजरा, जो, पर ज़्यादातर हम गेहूँ की रोटी खाते हैं हम, है ना। गेहूँ मतलब वीट, जो वीट होता है ना उसकी रोटी हम खाते हैं। पल्सेस मतलब कि हमारी जितनी भी दाल, मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल, जितनी भी दाल है ना, सारी दाल। मिल्क मतलब दूध। ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब कि हमारी जितनी भी हरी सब्जियाँ हो गई। फ्रूट मतलब हमारे फल। एवरीडे रोजाना हमको क्या खाना है? दाल खाना है, जो भी अनाज है सेलेस से, अनाज में हमारे रोटी हो गई है, गेहूँ की, मिल्क, दूध पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट खाना है। दीज फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। ये हमें काय में मदद करता है? बढ़ने में, है ना। हम अच्छे से खाएंगे तो हम बढ़ पाएंगे। आप नहीं खाओगे ना बच्चों तब छोटे ही रह जाओगे, आपकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, है ना। अभी सेकेंड में हो ना, कितने बड़े बड़े हो जाओगे तब भी इतने ही रहोगे, अगर आप प्रॉपर नहीं खाओगे तो। खाओगे ना तो ही आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी, है ना, तो आपको खाना है। दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी काहे के लिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। देखो, इस टाइप का जो खाना होता है ना वो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो हम उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, मतलब कि संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या मतलब? जिसमें हर चीज़ नपी तुली हो, कि जैसा खाना हो जिसमें सारे प्रोटीन हो, सारे विटामिन हो, मिनरल्स हो, वो सब मिले, वो खाना होता है हमारा संतुलित आहार, मतलब कि बैलेंस्ड डाइट, जिसमें दाल भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, सब्जी भी हो, दूध भी हो, फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, तो वो हमारा कैसा होता है? बैलेंस्ड डाइट। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। देखो, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, है ना। प्लेंटी मतलब क्या? ढेर सारा। मस्ट मतलब जरूर। वाटर एवरी डे, ड्रिंक मतलब पीना, हमें ढेर सारा पानी रोजाना पीना चाहिए। वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। पानी भी हमें क्या रखता है? हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है ना, पानी हमें स्वस्थ रखता है, तो आपको बताइए। अब बच्चों, इस पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया वो क्या है, कि वी शुड हैव सेलेस पल्सेस मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे, मतलब कि हमको जितने भी अनाज है वो रोजाना खाना है, दूध पीना है, सब्जी खाना है, हरी सब्जी खाना है, और हमारे फ्रूट्स खाना है। और ये हमें क्या करते हैं? हमारे जो पल्सेस है, मिल्क है, ग्रीन है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो हमें बढ़ने में मदद करते हैं। क्या करने में? ग्रो करने में। और हमें क्या मिलता है इससे? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए, खेलने के लिए। वर्क एंड प्ले।
और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिसीजेस से। डिसीजेस मतलब बीमारियों से, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डिसीजेस से। और जब बेटा जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सारे फ्रूट्स और दूध हो, तो ऐसा खाना क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट। क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट। हमको रोजाना ढेर सारा पानी पीना है, कैसा पानी पीना है, ढेर सारा पानी पीना है। मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, रोजाना। वाटर ऑल्सो कीप्स हेल्दी, पानी भी हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।